ये गलत है। हम लोग के पास भी NRC होते हुए भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है। BTSC के द्वारा इस रिजल्ट में बहुत बड़ी धांधली की गई है। एग्जाम नहीं हुआ तो कट ऑफ जारी क्यों किया? अच्छा, हम लोग के पास BNRC सब पर सब का सिलेक्शन किया गया, तो हम लोग का भी सिलेक्शन BNRC पर किया जाए। हम लोग का यही कहना है कि जितना सीट बचा हुआ है उतना BNRC वालों को किया जाए। इन्होंने कहा था कि जिनका BNRC रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। आज की डेट में हमारे पास BNRC होते हुए भी हम लोग सिलेक्शन में नहीं है। सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। जहां RJD दफ्तर के अंदर अभी तेजस्वी यादव हार की समीक्षा बैठक कर रहे, वही बाहर में BTSC के छात्र यहाँ पर आ गए और तेजस्वी यादव से अपनी मांग रखने अचानक से पहुंच गए। RJD दफ्तर को एक तरह से घेर लिया। आप लोग यहाँ दफ्तर के बाहर हैं, क्या मांग है आप लोगों की? क्या नाम हुआ आपका? सर, हमारी मांग ये है कि हम BTSC के द्वारा 9130 नर्सों की बहाली निकाली गई। हाँ। और 5,508 लोगों का रिजल्ट जारी करके और BTSC कहता है कि जितने भी NRC वाले हैं उनका सिलेक्शन कर लिया गया है, लेकिन वो ये गलत है। हम लोग के पास BNRC होते हुए भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है और BTSC के द्वारा इस रिजल्ट में बहुत बड़ी धांधली की गई है। पेपर में भी निकालता है कि 7,500 BNRC कैंडिडेट हैं और फिर 5,000 का रिजल्ट निकालता है, 2,000 नहीं निकलते हैं, 4,000 रिजल्ट नहीं निकाला गया है। और इसके लिए हम, आप लोग वही नर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था, आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली? क्या कहना चाहते हो जी? उन्हीं से हम लोग उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो कहे थे कि भाई हम युवाओं के साथ हैं, तो इसलिए हम लोग 19 से बाहर लगाने की सेवा चयन आयोग के द्वारा आप लोगों की 2019 में एग्जाम हुआ जी, एग्जाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था मेरिट बेस पर, BNRC बेस पर। जिसमें BNRC मेन मुद्दा था, जिसके पास केवल मुद्दा BNRC ही था, उसमें ना कट ऑफ था ना मेरिट थी। बस एग्जाम नहीं हुआ तो कट ऑफ जारी क्यों किया? अच्छा, हम लोग के पास BNRC सब पर सब का सिलेक्शन किया गया, तो हम लोग का भी सिलेक्शन BNRC पर किया जाए। अच्छा, हम लोग का मांग यही है। हम लोग के पास BNRC है, बिहार का है, हम लोग को बोला गया कि 17 मार्च तक जो है आपका रजिस्ट्रेशन जमा हो जाएगा, उन लोगों का चयन होगा। 17 मार्च तक हम लोगों ने कैसे भी BNRC करवाया, फिर भी हम लोगों का चयन नहीं हुआ। हम लोगों का यही कहना है कि जितना सीट बचा हुआ है उतना BNRC वालों को किया जाए। तो आप लोग तो सरकार के पास जाइएगा या तेजस्वी यादव को के पास? सरकार के पास से हम लोग बहुत निराश लौट चुके हैं और दो दो तीन कभी BTS ऑफिस जाते हैं तो कभी स्वास्थ्य विभाग जाते हैं, सब हर जगह आश्वासन सिर्फ दिया जाता है लेकिन किया कुछ नहीं जाता। इसलिए हम लोग तेजस्वी, हम लोग की बस मांगे हैं 4,000 सीटों को भरा जाए, यही मांगे। तो तेजस्वी यादव के पास आप लोग पहुंच गए, यहां पर अपनी मांग को लेकर पहुंचे हैं ये BTSC के, जो 5,000 को सिर्फ नौकरी दी गई और बाकी को नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि वो बहाली किया जाए, कह रहे हैं कि कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा, BTSC का निकाले थे कि 7,500 लोगों का हमारे पास BNRC है। हाँ। उसमें 5,200 लोगों का चयन करके लिस्ट जारी कर दिया और ज्ञापन में इन्होंने कहा था कि जिनका BNRC रहेगा उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा। आज की डेट में हमारे पास BNRC होते हुए भी हम लोग सिलेक्शन में नहीं है। चलिए जी, तो यहाँ पर देखिए एक तरह से नारेबाजी हो रही है और ये BTSC के ये वो लोग हैं जो अपने नौकरी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।